गुड मॉर्निंग हिमाचल, चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। कुल्लू के बंजार में खाई में गिरी कार, दो युवकों की मौके पर मौत, दो घायल अस्पताल में भर्ती। अग्निवीर भर्ती में दो दिन में 3,685 में से 762 युवाओं ने पास किया फिजिकल टेस्ट। बरसात ने खूब रुलाया धीरा, 8 मकान क्षतिग्रस्त, 16 गौशालाएं धराशायी, 1 की मौत। छोटी काशी में विराजमान हुए गणपति बप्पा, समस्त जिला में उत्सव की धूम। और अब खबरें विस्तार से। जिला कुल्लू के बंजार में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात बंजार थाना के अंतर्गत आते सेरी में हरियाणा नंबर की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए बंजार अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। हादसे में 32 वर्षीय जीवन लाल पुत्र बहादुर सिंह निवासी सेरी और 35 वर्षीय राम सिंह पुत्र दामोदर दास गांव तांदी तहसील बंजार जिला कुल्लू की मौत हो गई। हादसे की पुष्टि एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने की है। हमीरपुर जिला के सुजानपुर उपमंडल में चल रही अग्निवीर भर्ती के तीसरे दिन ऊना जिला की ऊना व बंगाणा तहसील के 3,046 युवाओं की भर्ती के लिए बुलाया गया है। बुधवार अलसुबह से मैदान में युवाओं की भर्ती जारी है। अब तक बिलासपुर व ऊना जिला के 7 तहसीलों के 3,685 युवा मैदान में अपना दमखम दिखा चुके हैं। इनमें से 762 युवा ही अब तक भर्ती मैदान में फिट हो पाए हैं, जबकि अन्य युवाओं को दस्तावेज व दौड़ प्रक्रिया में ही बाहर होना पड़ा है। पिछले दो दिनों से बिलासपुर जिला की घुमारवी, भराड़ी, श्री नैना देवी, झंडूता, बिलासपुर सदर व नमहोल और ऊना जिला की भरवाई तहसील के युवा अब तक अपना दमखम दिखा चुके हैं। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल संजीव कुमार त्यागी ने बताया कि युवा भर्ती मैदान में ओपन स्कूल से पास युवा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं ला रहे हैं, जिससे उन्हें भर्ती मैदान से बाहर होना पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई भारी बरसात के कारण उपमंडल धीरा में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। बरसात के कारण तहसील धीरा में एक प्रवासी मजदूर की मौत हुई है, जबकि 16 गौशालाएं धराशायी हो गई हैं। इसके अतिरिक्त 8 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि एक रसोई घर पूर्ण रूप से धराशायी हो गया है। एसडीएम धीरा डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि उपमंडल के अंतर्गत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गगल खोली के एक कमरे की दीवार इस बरसात में धराशायी हुई है, जिसमें एक कर्मचारी को आंशिक चोटें आई हैं। पूरे देश सहित छोटी काशी मंडी में भी गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। छोटी काशी के बाबा भूतनाथ, बाबा महामृत्युंजय, नीलकंठ, महादेव, सिद्ध गणपति सहित विभिन्न मंदिरों में गणपति बप्पा विराजमान हो गए हैं। बाबा महामृत्युंजय मंदिर में पिछले 16 वर्षों से गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर में 7 सितम्बर को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं नीलकंठ महादेव मंदिर में भी 19वां गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। नीलकंठ महादेव मंदिर में 8 सितम्बर को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 9 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन शहर में गणपति बप्पा मोरिया की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके उपरांत व्यास नदी में मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। आज महामृत्युंजय मंदिर में जो है गणपति मूर्ति की स्थापना की गई। ये जो हमारा गणपति का जो उत्सव है वो 10 दिन के लिए चलाया जाता है और हम इस उत्सव को पिछले 16 साल से अपने जो भक्तजन है उनके सहयोग से जो है इसको मना रहे हैं। बाकी बुधवार 7 तारीख को हमने जो है भक्तजनों के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया है, तो मैं निवेदन करूंगा कि मंदिर में आके जो है भंडारा ग्रहण करें और 10 तारीख को जो है हमारी शोभा यात्रा निकाली जाती है गणेश जी की और ब्यास नदी में जाके इनका विसर्जन किया जाता है। ये नीलकंठ मंदिर में हमारा 19वां गणपति समारोह आयोजित हो रहा है, जो पूरे मंदिर कमेटी के सहयोग से मनाया जा रहा है और आज मूर्ति की स्थापना है और 9 सितंबर को गणेश विसर्जन है और 8 सितंबर को यहाँ धाम का आयोजित भंडारे का जो हर वर्ष की भांति भगवान गणेश की कृपा से किया जाता है। जय श्री गणेश, काटो सभी के कलेश, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।